नमस्कार मित्रों, सिटी रेकीस डू और डाई के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग वृद्धि एवं विकास के बारे में जानेंगे, दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। वृद्धि यानी ग्रोथ, डेवलपमेंट मतलब विकास। वृद्धि एवं विकास का पहला अंतर है परिमाण वाला, जिसमें वृद्धि का मतलब होता है बच्चों का बड़ा होना यानी उसकी लंबाई ऊंचाई में परिवर्तन। वही विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तन के साथ साथ व्यवहार में परिवर्तन जैसे कुशलता और व्यवहारिक सुधार के लिए होता है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है और विकास एक व्यापक क्षेत्र है जिसका एक भाग वृद्धि होती है। वृद्धि आजीवन नहीं चलती, समय के साथ परिपक्व होने पर रुक जाती है। वहीं विकास परिपक्व होने के बाद भी सदैव चलती रहती है। चौथा अंतर है शारीरिक वृद्धि का मतलब विकास नहीं होता, ये बस भौतिक यानी परिमाण विकास को दर्शाता है। विकास के लिए वृद्धि आवश्यक नहीं, अतः यह गुणात्मक विकास को दर्शाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जानेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुँचे। नमस्कार।